नमस्कार दिनर बड़ खबर सहित मु चिन्मयी प्रथमे हेडलाइंस दिनकरे कोटिए लोक नेले टीका टार्गेट हासिल करिबा दिगरे बढ़ुची देश शुक्रवार देश में सर्वकालीन रेकर्ड वैक्सीनेशन समस्त शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करे स्वास्थ्य मंत्री कहिले स्वास्थ्यकर्मी एवं प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प सफलता आनी घातक साजुची कोरोना वायरस गोटे दिन में एसीबी में दुई आक्रांत शिशु मृत्यु मुकाबला तैयार राज्य सरकार चेताइले स्वास्थ्य विशेषज्ञ पार्वण में बढ़िपे संक्रमण पूजा पाई जारी हो स्वतंत्र गाइडलाइन नयगढ़ में अरुण गया दोस्ती भापुर ब्लॉक में गोटे रास्ता पाई एक थर हो बिल 80 कोटी नुहे 100 रु अधिक कोटीर स्काम आरटीआई तथ्य महाखुलासा आईन मंत्री प्रताप जेना मंत्रिमंडल बहिष्कार जोर धरला दाबी इस्तफा नदे विधानसभा हेबो प्रतिवाद सेपटे मंत्री पीए बापी विशाल मोबाइल कॉल रिकॉर्ड जांच कांग्रेस दाबी जवाब रखला बीजेपी नुआर उपरे जालियानावाला बाग मेमोरियल स्वाधीनता संग्राम 102 वर्ष तलर इतिहास नवैकल्पर आसंताकाले उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रे सामिल हेबे स्वाधीनता संग्रामी परिवार सह चारि राज्यर मुख्यमंत्री अफगानिस्तान रे फसिथिबा भारतीयों उद्धार पई चली जोरसोर प्रयास प्रत्यावर्तन पई 6 स्वतंत्र विमान और अन्य देश में नियाजाउछि सहायता अफगानवासियों पई जारी हला 6 महिना जरूरी ई वीजा भारतीयों सुरक्षा पई समस्त पदक्षेप नियाजाउथिबा कहिले एमईए मुखपात्र अरिंदम बागची आसंताकाली ढेंकानाल कमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपर भूमि पूजा जोगदेवे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी 395 कोटी टंकार पुंजनिवेश स्टोरेज क्षमता रहिबो 42,000 किलोलीटर एथर संपूर्ण खबर टीकाकरण रे इतिहास रचिला देश दिनकरे कोटिए छुईला देश रे टीकाकरण कोरोना विरुद्ध लड़ई को जोरदार करने वैक्सीनेशन को वृद्धि करा टारगेट हासिल करने दिगरे बढ़ुची देश एही धारे शुक्रवार देश में सर्वकालीन रेकर्ड टीकाकरण हो प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करी एथिरे खुशी व्यक्त करिछन्ते मोदी ट्वीट करी कहिछन्ते दिनकरे कोटिए टीकाकरण एक गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि टीकाकरण को सफल करिथिबारु समस्तंको धन्यवाद जणाइछन्ते प्रधानमंत्री सेपटे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडाभ्या ट्वीट करी कहिछन्ते देश रे स्वास्थ्यकर्मी एवं प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प यह सफलता आनी देश में टीकाकरण 62 कोटी अतिक्रम कर व्यापक टीकाकरण एवं दैनिक कोटिए वैक्सीन टीकाकरण लक्ष्य हासिल तृतीय लहर प्रभाव को ह्रास करिपारे तबे टीकाकरण इतिहास रचिछि देश दिनकरे कोटिए छुईला देश में टीकाकरण कोरोना विरुद्ध लड़ई को जोरदार करने वैक्सीनेशन को वृद्धि करा जाउछि टारगेट हासिल करने दिगरे बढ़ुछि देश एही धारे शुक्रवार देश में सर्वकालीन रेकर्ड टीकाकरण होइछे प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करी एथिरे खुशी व्यक्त करिछन्ति मोदी ट्वीट करी कहिछन्ति दिनकरे कोटिए टीकाकरण एक गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि टीकाकरण को सफल करिथिबारु समस्तंको धन्यवाद जणाइछन्ति प्रधानमंत्री बाबदे अधिक आलोचना पाई आम सहित वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित जोड़ी होती डॉक्टर रामचंदानी तबे डॉक्टर रामचंदानी आपन को अर्गस न्यूज को स्वागत जनइबी आज गोटे दिन में गोटे छुईची वैक्सीनेशन प्रक्रिया केमती देखुं देखो डेफिनेटली गोटे ऐतिहासिक दिन आज दिन को ऐतिहासिक दिन कह विश्व द्वितीय शक्ति भाव चाइना परे भारत गोटे दिन में 1 कोटी ऊर्ध व्यक्ति को कोविड 19 रो टीकाकरण देवा निश्चय गोटे प्रशंसनीय एवं लोकों मध्य जो संशय था वैक्सीन को लेकिन एत संख्यार से पार्टिसिपेशन करवाटा इंडिकेट कर लोक मान से भय ना लोक मैंने वर्तमान कोविड वैक्सीन नापी आग्रह कोरोना विरुद्ध जो लड़े वास्तव में आज दिन को कह जे आज है लोकों लड़ई लोक साधारण जनसाधारण ए सामिल होती गोटे दिन में सर्वाधिक
एक कोटी रु ऊर्ध एक कोटी 64,000 लोक सामिल हवा डेफिनेटली गोटे महत्वपूर्ण दिन। आ द्वितीय जिन मसरे 15 कोटी रु ऊर्ध लोक टीकाकरण देवा निश्चित भाव में धन्यवाद पात्र। से जो मैंने भैक्सीन सहित भैक्सीन नौते धन्यवाद। जो मैंने भैक्सीन प्रक्रिया को त्वरित करोग कर आशाकर्मी हूँ बा पारामेडिकल मेडिकल स्टाफ बा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से धन्यवाद अर्पण कर कथा निश्चित भाव में। डॉक्टर रामचंदानी आउ गोटे कथा आसुच्छी जे प्रधानमंत्री को दृढ़ संकल्प कारण बोधे आज एभली स्थिति आसी। डेफिनेटली जदि देशर प्रमुख जदि माने आग्रही न हेबे बा से जदि मोटिवेट न करिवे से जदि लीडिंग न करिवे ताले संभव नथिला। तो यहार हकदार प्रधानमंत्री निश्चय प्रधानमंत्री को मध्य धन्यवाद ज्ञापन करूछि। प्रधानमंत्री धन्यवाद पात्र कारण आम वैक्सीनेशन ड्राइव को एते मात्रा पहुंचाइबा सारा विश्व को चकित करिछि। गोटे दिन में 1 कोटी रु ऊर्ध अगस्ट मास सरी नहीं आशा कर संख्या आहरी बढ़ वैक्सीनेशन जिते शीघ्र हम जिते लोक दिज्व 50 कोटी ऊर्ध रोगी को एटलिस्ट फास्ट डोज दे सारे तो आम जिते लोक जल्दी वैक्सीनेशन देवा सेटा जेहेतु COVID-19 विरुद्ध में गोटे ही मात्र उपाय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एवं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जदि त्वरान्वित कर बहुत संख्या लोक को दिज्व तार भयावत बचा जा पार यद्यपि लोक संक्रमित कर कोविडटा निश्चित भाव में। डॉक्टर रामचंदानी बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम आलोचना। डॉक्टर रामचंदानी वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित जोड़ी ही आज टीकाकरण में देश इतिहास रचि ए बाबद अधिक आलोचना कर। नयागढ़ भापुर ब्लक में 80 कोटी नुहे 100 कोटी महादुर्नीति महाअभियोग। एहि महादुर्नीतिर नायक होती मंत्री अरुण साहू खास गयाधर परिडा 80 कोटी नुह प्रशासन को हाथ कर बिना कामरे गत 10 वर्ष धरी ब्लक्रु हड़प कर शह शह कोटी। आरटीआई तथ्यर हो महाखुलासा भापुर ब्लक्र गोटे रास्तापाई हो 21 थर बिल से फतेगढ़ गाँवर एक रास्तापाई 4 थर बिल हो देखु अर्गसर एक्सक्लूसीव रिपोर्ट। नयागढ़ रे अरुण गया दोस्ती भापुर ब्लॉक रे गोटे रास्ता पाई 21 थर हो बिल 80 कोटी नुहे 100 रु अधिक कोटी रा स्काम। आरटीआई तथ्य रु हेला महा खुलासा मिलीमिशी खाईगले कि आदिवासी हक मंत्री अरुण साहू गया को देउछंती सुरक्षा। अर्कस हाथ रे सूचना अधिकार आईन रे लागिछि सांघातिक तथ्य महादुर्नीतिर गोटे पर गोटे दस्तावेज। भापुर ब्लॉक रो गोपालपुर गाँव में मात्र 900 मीटर रो गोटे रास्तार ना बदल थरे नुहे 21 थर हो बिल ये हूँ तार प्रमाण। एवं नजर पकातु जातीय राजपथ कड़े आउ एक माटी रास्ता उपरे फतेगढ़ गाँव रही रास्ता 4 थर बिल हो पंचायत खोला जाइथिबा पोखरीर अवस्था भी सेमिति वर्ष वर्ष धरी बिना कामरे कोटी कोटी टंकार चून लगाइछंती भापुर पावरफुल बीजेडी नेता गयाधर। पोखरीर बिना कौनसी कामरे बिना कौनसी माटी उठे एवं बिना कौनसी कार्यक्रम न करी आज्ञा से भी बारंबार बिल होती एटा गोटे दुर्नीतिग्रस्त आज्ञा से प्रशासन को आम अनुरोध करूँ आपन एटा को तुरंत माने पदक्षेपटे नियंतु एवं तुरंत जांच करंतु केवल जे भापुर ब्लॉक रे होउची केवल जे खनपड़ा रे होउची ता नुहे पूरा जिल्ला रे होउची आज्ञा विभिन्न विजु जनता दल रो विधायक को बई नयागढ़ विधायक मान्यवर अरुण साहू समस्त में गोटे कैंचो रखछंती। अभिजोग अनुसार एभली भाबे जालियाती करी सरकारी तहबिल रु कोटी कोटी टंका हड़प करिछंती भापुर ब्लॉक अध्यक्ष गयाधर परिडा। जिला प्रशासन रो मिली भगत रे चली छि स्काम पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष को जाल दस्तखत करी 80 कोटी टंका रो बड़ दुर्नीतिर अभिजोग भी गयाधरन को नारे आउ गयाधर होचंती मंत्री अरुण साहू को राइट हैंड मंत्री को इशारा रे काम करंती गया आउ गयां को सुरक्षा दायित्व अरुण को बिना काउंटर साइन वेरिफिकेशन रे किभली एते बिल उठा जाय बोली ब्लॉक कैशियर को प्रश्न पचारिले
देखंतु किभली कार्यालय छाड़ी चली जाउछंती बाबू जनक जिलापालंकर सही चिराचरित उत्तर तदंत चली 80 कोटी टंका जाल दस्तखत करिकि आउ नै जाइछंती जो जगह काम करिसंती बिल करिसंती जो जगह काम न करिसंती भी बिल करिसंती 80 कोटी टंका नै जाइछंती मु कोहने तो रोहित मुको फाइल रे दस्तखत करिनै से गयाधर पैडा आउ जोगी सुहाई आउ ज्योति पंडा ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ଆମର ଏସଟିଏସସି କମିଶନ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଏସପି ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଲରେଡି ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫିସର୍ସ ଯେତେ ଦେଇଥିଲୁ ସେଟା କରାହେଇଛି ଆଉ ଡିଟେଲ ଆମର କିଛି ୱିଟନେସେସ୍କୁ ବି ନେବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ବାକି ଅଛି ସୋ ଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନଠୁ ଉପରେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସାନି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ କେବେ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ବିଜେପିର ହେଲା ବୋଧ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଲିସ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ଜେରା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ତଥାପି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବୁ ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏହି ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆମେ ହାଉସରେ ଏକାଧିବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରାଳଙ୍କର ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଏଭଳି ଏକ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇନର ସହାୟତା ଦେବା କଥା ସେ ନିଜେ ଆଜି ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ସରକାର ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଗର୍ଜୁଛି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ହେଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସିଧାସିଧା ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ସତ୍ୟ ଦିନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ଯେଉଁ ଆସାମୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ନାଁ କାଟିଥିଲା ତେଣୁ କାଟିବାର କାରଣ ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଆମର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ କେବେ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସାନି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଆଉ କେବେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ପୁଲିସ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସେପଟେ ଘଟଣାର 2 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ସେ ଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ସେ ଫୋନ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସୂତ କରିକି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ମିଳିଲାନି ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲା
ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଥିଲୁ ତା ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଉ। ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଅନନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ନେବା ପାଇଁ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ, ସେ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନ ଦେବା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଯଦି ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ। କଂଗ୍ରେସ ଆମକୁ ଦାବି କରିବ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ଯଦି ସେଥିରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ କାଢି ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କଥା ଉଠାନ୍ତୁ, ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ସରକାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଥିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ କରିବା କଥା କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ମହାଙ୍ଗାମାଟି ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ, ଗଡ଼ିଲା ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ହେଲା ହୋହାଲ୍ଲା। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିକେ ଜେନା ଆସିଲେ ବିବାଦକୁ, ଆଉ ଏହାପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବା ଏବେ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି କାଠଗଡ଼ାରେ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଖୋଲିଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ଗୁମର। କେମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଓ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏହି ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରା ଓ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଖୋଲିଗଲା ଫାଇଲ୍, ଖୋଲିଗଲା ସତ, ଆଉ ଖୋଲିଗଲା ଗୁମର, ଆଉ ହୋଇଗଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଖେଳ ଖତମ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଖୋଲିଦେଲେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁମର। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ସାର୍ କେବେ ଜେରା ହେଉଛି? ଶୁଣିଲେ ତ, ଏ ହେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୟାନ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ହେଲେ କିଏ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଆଉ ଆଇଓଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ଓଡିଏଫ୍ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ଧରମ ପୁଅ ଡିଏଫ୍ଓ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଡିଓ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ସାର୍ କେବେ ଜେରା ହେଉଛି? ଡିଏଫ୍ଓ ସାର୍ ମାନିଲା ସେ ଥିଲା ବୋଲିକା, ଯୋଉ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆ ହଉଥିଲା ମାନିଲା ଥିଲା ନା ମାନିଲାନି? ମେଡିକାଲରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ନିଆ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ଜମା ନୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପୁରା ଥିଲା ଜମାନ ବନ୍ଦୀ, ତା ଆଗରେ ନେଇଯାଇକି ନିଆବା କଥା ବାହାରେ ସେ ତା ପୁରାଟା ଥିଲା ଆଡମିଶନ ବେଳୁ ଗଲା ଯାଏ। ଗୁହାରି ଶୁଣିଲାନି ଗଜପତି ପୁଲିସ, ତଦନ୍ତକୁ କରିଲା ଦିଗହରା। ଭରସା ଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମାନ ବାଟରେ ପୁଲିସ ପରେ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା, ଚାପରେ ଚେପି ହୋଇଯାଇଛି ତଦନ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଭାଗ କାମ କରୁଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନଗଲେ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ଡିଏଫ୍ ସବୁ କରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଏ କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଏ ଯାଇ କଥା ସବୁ ବାହାରିବ, ନହେଲେ କିଛି କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଚାପ ପକେଇକି ରଖିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି, ତମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଯୋଗ୍ୟ ପାରିବ ଯେ ତମର ପୁଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରସା ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଲେ ସତ୍ୟା ସତ୍ୟ ବାହାରିବ। ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡର୍ଜନେରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡିଏଫ୍ଓ ରୋଷେ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ କେବେ କରାଯିବ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା? ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ କି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ? ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ କି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁ? ଆଉ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପିଏସ୍? ଡିଏଫ୍ଓ ପିଏସ୍ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ ହେବ କି ଯାଞ୍ଚ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
बुलेटिन रे समय होछ एक छोटो ब्रेक रो ब्रेक पर जारी रहबा आउ किछ खबर ब्रेक पर स्वागत जौतुक सामग्री उद्धार करने को जाइथिबा पुलिस टीम उपरे आक्रमण जगतसिंहपुर जिला तिर्तोल थाना अंतर्गत सागवरिया ग्रां को जौतुक सामग्री उद्धार करने को जाइथिबा पुलिस टीम उपरे आक्रमण दुई जन सब इंस्पेक्टर समेत पांच ऊर्ध पुलिस आहत सात जन आक्रमणकारी अभियुक्त को जगतसिंहपुर गिरफ्त कला तिर्तोल पुलिस तिर्तोल थाना पक्ष मणिजंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में अभियुक्त मान स्वास्थ्य परीक्षा कराइला पुलिस जगतसिंहपुर जिला तिर्तोल थाना अंतर्गत गांव अभाव्य घटना जौतुक सामग्री उद्धार करने को जाइथिबा पुलिस टीम उपरे आक्रमण तबे पुलिस टीम उपरे आक्रमण करथिले दुई जन सब इंस्पेक्टर समेत पांच रु ऊर्ध पुलिस आहत होती सात जन आक्रमणकारी अभियुक्त मानू जगतसिंहपुर गिरफ्त कर तिर्तोल पुलिस तिर्तोल थाना पक्ष मणिजंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य परीक्षा कर चाषी विभ्रांत करुछि बिजेडी बीमा कंपानी मानंकु राज्य सरकार ही चयन करती किंतु केन्द्र कोर्ट को बल फिंगी चाषी को भुआ बुलाइबाकु चेष्टा करुछि शासक दल प्रधानमंत्री फसल बीमा को नहीं बिजेडी रो अभियोग उपरे एपरी कड़ा जवाब रखिछि बीजेपी चाषी को विभ्रांत करुछि बिजेडी बीमा कंपानी मानंकु राज्य सरकार ही चयन करती किंतु केन्द्र कोर्ट को बल फिंगी चाषी को भुआ बुलाइबाकु चेष्टा करुछि शासक दल प्रधानमंत्री फसल बीमा को नहीं बिजेडी अभियोग उपरे एपरी कड़ा जवाब रखिछि बीजेपी एक सांबादिक सम्मेलन में बिजेडी उपरे बर्षिछि दल केन्द्र को टार्गेट करबा बिजेडी मुख्य लक्ष्य बोली कहिछि बीजेपी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन चाषी कम बीमा कंपानी बेसी लाभ पाउथबा नै अभियोग करथिला बिजेडी हेले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रसंग रे बीजेडी आनीथिबा अभियोगर वास्तवता नाही बोली कहिछि बीजेपी 2016-17 मसिया रु 2019-20 पर्यंत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे संपूर्ण देश रे 23 कोटी चासी सुफल पाइछंती ओडिसा रे मध्य चासी 702 कोटी टंकार प्रीमियम देइछंती फसल बीमा बाबद को उभय केन्द्र और राज्य सरकार 4613 कोटी टंका प्रीमियम देइछंती सेथिरु 4600 कोटी टंका क्लेम होइथबा बेले 4560 कोटी टंका क्लेम सेटलमेंट होइछि अर्थात 99.13% बीमा राशि चासी पाइछंती हेले बिजेडी रो इशारा रे किछि जिलापाल माने योजना रो कार्यकारिता को सठिक ढंग रे तदारक करूनाहंती तेणु अनेक गाँव में किछि लोक बीमा अर्थ पाउथबा बेले किछि लोक पाउनाहंती बोली बीजेपी कहिछि विजु जनता दल रो आक्षेप ताकू मु तथ्य आधारित विषय उपर जोटा रखिली एवं संपूर्ण मिथ्या एवं लोकंकु भुआ बुलेबा को छाड़ंतु एवं केन्द्र को दोष लदिबारे छाड़ंतु इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर रे भूल हेबा कारणरु निजर दोष को लुचेबा पई आज विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उपरे आक्षेप लदुछि अनेपटे बीजेपी रो अभियोग उपरे प्रतिक्रिया रखिछि बीजेडी कौनसी जगार चाषी मानू विभ्रांत करी मानू सब मुख्यमंत्री सहायतार हाथ बढ़ाई क्यों चाषी जदि किसी कहते से तालिका प्रस्तुत करी बीजेपी राज्य सरकार को दिंतु बोली बीजेडी कौन जगार चाषी मानक विभ्रांत करी मान सब माननीय मुख्यमंत्री साहय सहायतार हाथ बढ़ाई कौ चाषी कौन पाए से चाषी गोटे तालिका प्रस्तुत कर दौना कौ चाषी पाईना निंटिया वर्षा सह राज्य चाष जमी को जलसेचन सुविधा नथिबारु आसन मरुडी को नहीं चाषी चिंतार तेब एभली परिस्थिति रे चाषी को बीमा राशि किपर मिल पार से दिगरे राज्य सरकार कौन पदक्षेप ने रही नजर भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन प्रदीप्त मल्लिक प्रदीप्त महापात्र और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज राज्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को आगक नेबारे उत्कल विश्वविद्यालय भूमिका अतुलनीय ओडिशार समाज जीवन प्रत्येक क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर पर्यंत अनेक व्यक्तित्वर लंबा तालिकार आदिभूमि उत्कल विश्वविद्यालय केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नुआ दिल्ली रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे उत्कल विश्वविद्यालय आलुमनी संघर वार्षिक उत्सव में जोगदे केन्द्रमंत्री कहते सरकार दायित्व व्यतीत
ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। उत्कल यूनिवर्सिटी ही नेतृत्व नौ एटा गुटे प्रशंसा एगुडा को हमरो न्यूयर इशु ओडिसा रो यूनिवर्सिटी कैंपस प्लान करो भाबो तो भाबी आसंताकाली ढेंकानालर कमन यूजर फैसिलिटर तैय डिपो भूमिपूजा भूमिपूजन करेंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी जो 42,000 किलोलीटर एमएसएचएसडी इथानल और बायोडिजेल को संरक्षित रखा एथिपाई 395 कोटी टंकार पुंजनिवेश करेंगे इंडियान अएल बीपीसीएल एचपीसीएल 2023 सुधा प्रकल्प काम शेष करने को लक्ष्य धार्य रखा। आसंताकाली ढेंकानाल रे कमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपोर भूमिपूजा जोगदेवे केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ढेंकानाल सदाशिवपुर कमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपो 395 कोटी पुंजनिवेश कर इंडियन ऑयल बीपीसीएल एचपीसीएल प्रकल्प निर्माण व परिचालन प्राय 2,00,000 मानव दिवस सृष्टि उपकृत हेब अनुगुल केन्दुझर देवगढ़ ढेंकानाल जिला ढेंकानाल सदाशिवपुर कमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपो भूमिपूजन उत्सव में जोगदेवे केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 42,000 किलोमीटर स्टोरेज क्षमता विशिष्ट स्वयंचालित तैल डिपोर एमएस एचएसडी इथानल एवं बायोडिजेल को संरक्षित कर रखा। ए प्रकल्प पर राज्य सरकार 49.671 एकर जगह किणा विशेषकर पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन खर्च ह्रास दिगरे विशेष लाभदायक हेब एक कमन यूजर फैसिलिटर डिपो प्राय 50 एकर जमीन 395 कोटी व्यय इंडियन ऑयल बीपीसीएल एचपीसीएल मिलित सहभागित यार निर्माण कर डिपो द्वारा अनुगुल केन्दुझर देवगढ़ और ढेंकानाल जिला विशेष उपकृत हो। जो अभी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेनरशिप के प्रभारी इंचार्ज हैं और माननीय केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय के इंचार्ज हैं इनके कारण हम लोग द्वारा माननीय एमओएस मिस्टर रमेश्वर तेली जो पेट्रोलियम विभाग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और हमारे साथ जुड़े रहे हुए माननीय एमपी श्री महेश साहू और माननीय एमएलए श्रीमती सीमा रानी नायक उस दिन उस प्रोग्राम में मौजूद रह के अपने कर कमलों द्वारा भूमि पूजन और इस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे फाउंडेशन स्टोन लिंक सेरेमनी का एक हिस्सा बनेंगे ताकि ये कार्य हम आगे कर सकें। ये प्रकल्प निर्माण व परिचालन 2,00,000 मानव दिवस सृष्टि हेबो। ए प्रकल्प परे भविष्य में बीपीसीएल व एचपीसीएल मिलित सहभागित ध्रुता पेट्रोलियम कमन यूजर फैसिलिटर प्रकल्प स्थापन करिवार योजना अच्छी। से भले पश्चिम ओडिशार झारसुगुड़ा ठारे पेट्रोलियम टर्मिनाल स्थापन पर बीपीसीएल प्रस्ताव अच्छी। एथिपाई बीपीसीएल व एचपीसीएल सह मिसी 98 एकर जगह चिन्हट होता कहते इंडियन ऑयल राज्य मुख्य शुभजित घोष। जब ये कार्य होगा 2,00,000 मैन डेज का कंस्ट्रक्शन ये डिपो तैयार होते होते जो हमारा अनुमानिक समय है 31/8/2023 तक हम खत्म करना चाहेंगे 24 महीनों के अंदर और 2,00,000 मैन डेज का कंस्ट्रक्शन की हमको एक उपलब्धि होगी। उसके बाद जब डिपो चलेगा वहाँ पे भी काफ़ी मैन पावर की जरूरत होगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में उड़ीसा में इस प्रयास से हम और आगे बढ़ जाएंगे। 2023 सुधा प्रकल्प काम शेष करने को लक्ष्य धार्य हो तत्कालीन केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में बीपीसीएल बलांगीर 44 टीएमटीपीए क्षमता विशिष्ट बटलिंग प्लांट निर्माण करा रेकर्ड समय 19 मास भितर कार्यक्षम होता यह आरंभ होगा दिन ठार् प्लांट में प्राय 25,00,000 एलपीजी सिलिंडर कर बटलिंग प्लांट में प्रतिदिन परोक्षर 100 व्यक्ति को रोजगार जोगा जा। भुवनेश्वर चिन्मय साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त अच्छे बुलेटिन को एठ रखुछ नमस्कार।